एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे भिंडी मसाले वाली। तो देखिए अच्छी लग रही ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मसाले वाली भिंडी। तो मसाले वाली भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हम भिंडी को धुल लेंगे। तो लास्ट में ऐसी भिंडी मिलेगी आपको, एकदम टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाली। तो मैंने भिंडी को धुल दिया है यहाँ पे, और अब इसको कट कर लेंगे। तो थोड़ा सा सुखा लेना है, पानी पानी सा नहीं होना चाहिए। ये मैंने भिंडी को साइड साइड से कट कर लिया है, तो आपको भी इस तरीके से कट करना है, साइड साइड से कट कर लें, और इसके बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करने हैं। अगर भिंडी छोटी है तो बस बीच से दो टुकड़े कर लीजिए, और अगर बड़ी है तो तीन टुकड़े कर लीजिए, दो तीन टुकड़ों ही करने हैं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना है। बस इतना करें कि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ मैं भिंडी को कर ले रही हूँ कट, और बहुत ही जल्द मेरी भिंडी हो जाएगी कट के रेडी। तो देखिए बस हो गया ना। तो यहाँ पे मैंने भिंडियों को कट कर लिया है, और अब चलते हैं बनाने। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया है, और कढ़ाई हो गई है गर्म, तो इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तो मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, भिंडी हो गया, करेला हो गया, इस सब में थोड़ी सी ज़्यादा तेल लगता है थोड़ा सा। और तेल गरम हो जाएगा तब हम डालेंगे इसमें जीरा। देखिए जीरा चटकने लगा है, और मैं इसमें डालूँगी मिर्ची। तो मुझे इस मतलब मसाले वाली भिंडी में लाल साबुत मिर्ची बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है दो मिर्ची, दो नहीं है, वन और हाफ है। तो मिर्ची और जीरा दोनों तड़के में डाल देंगे, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी भिंडी। भिंडी को डाल के थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे, दो तीन मिनट में बीच बीच में चलाते रहेंगे, थोड़ा सा भुन जाए भिंडी, कलर थोड़ा चेंज हो जाए। देखिए यहाँ मैंने सारी भिंडियों को डाल दिया है, और सबको कर देंगे मिक्स, और इनको भुनेंगे हम दो तीन मिनट तक। तो या ये बोल सकते हैं जब तक कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। और मैं इसमें डालूंगी टमाटर, तो दो टमाटर लिए मैंने, और इसको मैं कट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ हो गए मेरे टमाटर कट। तो भिंडी जब हमारी भुन जाएगी अच्छे से, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, देखिए अभी हो गया ना थोड़ा गोल्डन, तो इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर। और टमाटर और भिंडी को दोनों को एक साथ भुनेंगे, तो थोड़ा सा और भूनते हैं इसको, फिर हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो ये देखिए कितने अच्छे से भुन गई ना भिंडी और टमाटर, टमाटर भी थोड़े से पक गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, और इसको मिक्स कर लेंगे, और इसमें ऐड करेंगे नमक। तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। मैं ज़्यादा मसाला वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ एक मसाला डालूँगी, वो है सब्ज़ी मसाला, हल्दी नमक और सब्ज़ी मसाला, तीन मसाले काफ़ी होते हैं सब्ज़ी को टेस्टी बनाने के लिए। तो मैंने इसमें डाल दिया हल्दी मसाला, और हम इसको मिक्स कर लेंगे। बस भिंडी को थोड़ी सी पका लेंगे। ये देखिए हमारी भिंडी पक चुकी है, तो देखिए ना झटपट बन गई ना हमारी भिंडी की टेस्टी वाली सब्जी, बहुत ही अच्छी लगती है रोटी के साथ ये मुझे। तो आप भी बनाइए और बताइए कैसी लगी ये सब्जी, सबसे आसान तरीके से बनने वाली भिंडी की सब्जी, और टेस्टी भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।